उसने अभी एक सांप उठाया था, इस जोड़ में से उठाया था उसने सांप अपने पंजों से और इस वाले जोड़ में फेंक दिया था, इस वाले पानी के उसमें फेंक दिया था। और ये चील ऊपर ही उड़ रही है और यहाँ पे सांप ही ढूंढ रही है ये। चल उसने उसने उठाया था ना, उस वाली चील ने उठाया था ना वो सांप। देखो यहाँ पे फिसल मत जाना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो गीला हो रहा है ना मिट्टी। आप हाँ ध्यान से आना, तो इस झोड़ में सांप वगैरह है, मेंढक भी है और फिश भी है इस झोड़ में। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम सुबह सुबह से। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, इतना भी सुबह नहीं है लेकिन हमारे लिए सुबह ही है। मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ। तो आज के व्लॉग में हम हैं घर के अंदर अभी फ़िलहाल और स्टार्ट कर रहे हैं कचौरी से। कचौरी बना रहे हैं हम आज। आज सभी का मन था कचौरी खाने का, काफ़ी दिन से था एक्चुअली कचौरी खाने का। तो पहले तो प्लान था कि कचौरी हम चूल्हे पे बनाएंगे, जो प्रॉपर गांव में चूल्हा यूज़ होता है वो वाला। तो लेकिन चूल्हे पे ये कह रहे थे कि हम चूल्हे पे नहीं बना रहे, अब तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह ही बना रहे हैं, तो इसीलिए फिर गैस पे बनाने लगे। अभी बाहर आटा मला जा रहा है, शालू हमारी छोटी बहन आटा मल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आटा मल रही है यहाँ पे और किचन लेकिन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं इसका काम कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पिट्ठी रखी हुई है। तो मैं तो पिट्ठी को अभी एक्चुअली मिक्स कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ पिट्ठी को मिक्स, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी इन्होंने बताया नहीं है कि कैसे मिक्स करना है। बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ अभी, रियल में तो भाभी करेंगी। भाभी अभी अभी नहा के आई है, ये देखिए आप, भाभी अभी अभी नहा के आई है जस्ट अभी, और भाभी अभी मिक्स मैं कर रहा हूँ इसे, उसके बाद भाभी ठीक से मिक्स करेगी। मैं तो खैर ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे मुझसे हो रहा है। भाभी अभी ठीक से मिक्स करेगी तो भाभी बनाएगी अभी हमारे लिए कचौरी गरम गरम, फिर हम गरम गरम कचौरी खाएंगे। तो बताओ कचौरी बनाने के लिए भी ये मेकअप मतलब तैयार हो रही है भाभी जी। ये देखिए कचौरी बनाने के लिए भी तैयार हो रही है और ये बोल रही है कि ऐसा मत बोल व्लॉग में। तो अभी तो ये चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर काम। यहाँ पे कचौरियाँ बननी शुरू और अब मैं खाऊंगा बैठ के। ये यहाँ पे भाभी है, सालू, ये दोबारा आटा किया है इन्होंने, आई डोंट नो क्या किया है। तो अब दोबारा बनेगी। आप दाल सीन कुछ ऐसे है कि कचौरी में कुछ खास मज़ा नहीं आया। आज भाभी ने कचौरी बनाई है लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, इनको कचौरी इतना आता नहीं है। वैसे नॉर्मली मैं बताऊँ इनको कचौरी आती नहीं है बनानी, इन्होंने पहले ही कहा था कि कचौरी आती नहीं है बनानी। यहाँ पे बैठी है और ये कह रही है कि ये देखो वीडियो में क्या बोल रहा है कि कचौरी नहीं आती मुझे बनानी। तो अभी हमने सोचा है कि जो कचौरी में आलू लगते हैं वो आलू को यूज़ किया जाए किसी अच्छी चीज़ में। तो बन रहे हैं घर में ब्रेड पकौड़े, तो ये आलू भरे जा रहे हैं ब्रेड में। अभी आलू भर रहे हैं आप ब्रेड में, अभी बनाए जाएंगे, अब ब्रेड पकोड़े बनाएंगे वहाँ भी, वहाँ पे तलेगी, वहाँ पे तेल गर्म हो गया है तो अभी ब्रेड पकोड़े खाएंगे। घर का सीन ऐसे ही चल रहा है, बाहर का अभी हम आगे देखेंगे, आगे का प्लान है आपको दिखाते हैं आगे का क्या प्लान है। रेगुलर आगे का प्लान है, कंप्लीट चलेगा अच्छा, तो आपको दिखाते हैं आगे का भी सीन क्या है। तो गाइस सीन है अब ऐसे, ये किया है हमारी भाभी ने ये ब्रेड पकौड़े, सॉस, कॉफ़ी कटोरे में इसलिए है क्योंकि यार बहुत गर्म है। तो अभी सीन कुछ ऐसे चल रहे हैं भाई, वो वाला करना, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, वो वाले आप भी खाओ लो ब्रेड पकौड़े, मैं खा के बताती हूँ कैसे बन रहे हैं। बोल भी दिया जरा सभी।
तो हेलो, एक बार फिर आज सुबह हम थोड़ा लेट उठे थे तो हमने कचौरी वचौरी का नाश्ता किया है। आज कचौरी बनाई है, बनाई थी और खा भी ली। अब हम निकले हैं घर से बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि कचौरी खाने के बाद काफ़ी नींद नींद सा महसूस हो रहा था, नींद आ रही थी काफ़ी। तो अभी हम अपने दोबारा पूरी फैमिली के साथ, बड़े भाई चला रहे हैं, मैं इधर हूँ, मम्मी भाभी और ये सालू इधर बैठी हुई है। अभी हम सारे निकले हैं, ऑन द वे है। अभी दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो प्लान तो खेत में है, ट्यूब वेल होती है वहाँ पे जाने का प्लान है। अभी देखते हैं अच्छी सी ट्यूब वेल कहाँ होती है, खेत कहाँ पे मिलते हैं। हमें नहाने का भी मूड है कि नहा भी सकते हैं, मैं और भाई नहा सकते हैं। और आपको दिखाते हैं अभी ट्यूब वेल पे पहुँच जाए, उसके बाद वहाँ के सीन दिखाते हैं। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, बागपत में खेत काफ़ी अच्छे है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे बैठे हो? खेतों में जाने की तैयारी, जो भी हमें दिखेगा वो हम आपको भी दिखा देंगे। भाभी कहाँ जा रहे हैं? हम खेत में जा रहे हैं घूमने के लिए। आप गाड़ी चला लीजिए, अगर आप गाड़ी नहीं ठीक से चलाओगे तो हम डूब जाएंगे, हम खेत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, हम डूब जाएंगे। खेत में जाने के सपने रह जाएंगे हमारे, अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो ठुक जाएगी। आप कैमरे में मत देखिए प्लीज, आप गाड़ी चलाइए। हम पहुंचे कहाँ भाभी? हम पाली पहुंच गए हैं यहाँ पे। अभी ऑन द वे है, ये रास्ता जा रहा है दिल्ली, जा रहा है सीधा बागपत से दिल्ली जाता है। बीच में पाली पड़ता है, फिर खेकड़ा, पाली के बाद काठा पड़ता है, फिर खेकड़ा, ये गांव के रास्ते है। और हम सोच रहे हैं कि काठा में जाएंगे, वहाँ पे काठा के पास, वहाँ पे दिखेगा खेतों में वो हम आपको भी दिखा देंगे। काठा में है कोई खेत वगैरह? बहुत मन है किसी के तोड़ने के लिए, अगर कोई तोड़ाएगा तो। गन्ने तोड़ने हैं क्या? गन्ने चूसने आज, गन्ने चोरी करने के लिए। देखो सब्जी लग रही है इधर की साइड में, अब हम भी लाएंगे। ये रास्ते में सब्जियां भी लगती है, लगाते हर जगह सब्जियां लगी हुई है। आप आएंगे? आएंगे नहीं पापा। नहीं, चोरी तो करेंगे नहीं, पर ही है किसी से पूछ के तोड़ लेंगे। बता भी दे, पूछ के तोड़ लेंगे, कोई तोड़ने आए तो नहीं तोड़ने देगा तो तब चोरी करेंगे। चोरी ही करनी है क्या? ये देखो यार, इन्हें चोरी करनी है गन्नों की और इनको सब्जी की चोरी करनी है खेत में से, लेकिन हमें कोई चोरी नहीं करनी है। देखो चोरी करना बहुत बुरा पाप, गलत बात है, हम चोरी नहीं करेंगे। हम जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, पहले हम भी खेत में रुकेंगे, कोई मिला कि किसी से पूछेंगे तोड़ सकते हैं कुछ या नहीं। हम जाएंगे खेत में रुकेंगे, ट्यूबवेल को दिखाएंगे आपको, सीन दिखाएंगे, खेत का सीन दिखाएंगे, काफी मजा आने वाला है। आप व्लॉग में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, हम देखते आगे के सीन, आगे के सीन आपको दिखाते हैं। वो है एनएस, वो वाला एनएस है। हाँ, और ये सब इंद्रप्रस्थ है, ये वाला ये बसें खड़ी होती है, पार्किंग है। इंद्रप्रस्थ में काफी घपला होता है, क्या दिखा रहे भट्टे भाई? साल में ऐसी चीज बोलती है, कल भी नहीं बोल रही वहां पे। मैं कह रही यहाँ पे लोग सुबह सुबह वो शाम को मॉर्निंग करने आते हैं, सुबह सुबह ये कह रही कि यहाँ पे शाम को, ये कह रही जाकर वहाँ पे कि यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग करने आते हैं। मैंने बोला था टूट जाएंगे। ये कैमरा है ना, सिर्फ हमारा फेस दिखा रहा है, अभी बैक का है। तोरी है, देखो ये कितना बड़ा खेत है तोरी का। वाओ, चोरी करने का मन कर रहा है। ट्राइपॉड रह गया घर पे, वो वाला छोटे वाला ट्राइपॉड लाता ना, तो यहाँ पे रख दे। आगे से देखिए कितनी अच्छी स्प्लेंडर बाइक आ रही है। स्प्लेंडर बाइक है, हर विक्की है, ये विक्की को स्प्लेंडर बाइक बता रहे हैं। हमें ऐसे रास्ते पे आज, और ये देखिए सुनसान रोड है एकदम, खेत। अब देखते हैं बैक कैमरे से, अब चल रहा है तो अब आपको दिखा देंगे। सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, आप देख सकते हो। इधर भी हम भी नहाएंगे ऐसे जाके, देखिए सब्जी। आपको ये बताओ पहले, आपको सब्जियाँ चुरानी है क्या? सब्जी यार, एक्सपोजर गलत हो रहा है, बाहर का एक्सपोजर आ रहा है सही वाला।
अब बताओ फिलहाल कहीं दिख ही नहीं सब्जी, गन्ने तोड़ेंगे ऐसी जगह रोक के कहीं, गन्ने तोड़ने हैं आपको। तो हम आ गए हैं एक खेत में, यहाँ पे खेत नहीं है एक्चुअली, है यहाँ पे झोट टाइप है और यहाँ पे मछलियाँ हैं। आपको व्यू दिखाता हूँ मैं पीछे से, ये वाला है, ये यहाँ पे एक झोट है और इधर भी एक झोट है, वो देखो वो चील ने सांप उठाया है अभी, और एक चील चील यहाँ पे बहुत सारी है और अभी उसने एक सांप उठाया और पानी में गिर दिया इसमें से। यहाँ पे क्रेन है, ये कुत्ता, आई डोंट नो ये क्या ले रहा है मुंह में, लेकिन यहाँ पे दो बत्तख है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरे दिखाता हूँ सारा व्यू। ये यहाँ पे बगुले हैं दो और यहाँ पे ये झोड़ है यहाँ पे, और अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आ सकते हो, आगे भाभी है, यहाँ पे सब है। और यहाँ पे वो चील है ना सामने उड़ रही है, और उसने अभी एक सांप उठाया था इस झोड़ में से, उठाया था उसने सांप अपने पंजों से और इस वाले झोड़ में फेंक दिया था, इस वाले पानी के उसमें फेंक दिया था, और ये चील ऊपर ही उड़ रही है और यहाँ पे सांप ही ढूंढ रही है ये। चल उसने उसने उठाया था ना, उस वाली चील ने उठाया था ना वो सांप। देखो यहाँ पे फिसल मत जाना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो गीला हो रहा है ना मिट्टी, आप हाँ ध्यान से आना। तो इस झोड़ में सांप वगैरह है, मेंढक भी है और फिश भी है इस झोड़ में काफी। मम्मी आई नहीं है, मम्मी वहीं पे है, मछलियाँ कहीं आई, सांप तैर के होगा क्या है ये, वो मेंढक पंडक सब कुछ खाता है। पास दो बगले भी है, मैं आपको बगले दिखाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो सांप गिरा था लेकिन हमें सांप वाप नहीं देखना, हमें डर लगता है सांप से, और इसके अंदर इनके अंदर मछलियाँ भी होगी। बैठने के लिए आएगा तो ये वाला है सीन कुछ ऐसा, और ये है व्यू यहाँ से। आई डोंट नो ये वाइट कलर में क्या है, काफ़ी बड़ा झोड़ है लेकिन हम इसमें नहीं नहा सकते, हम डूब जाएंगे, मैं तैरना नहीं आता अभी। शालू ये क्या खाट, ये गांव में आ गए क्या आप, गांव में बैठे हो क्या? ये हमारे यहाँ पे ये दो बगुले हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, पास में आ गया काटे खो क्या, काटे खो ओ भाई डर लग रहा आपसे तो। हेलो 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 हेलो, कमिंग, डरो नहीं आप, हाँ आ जाओ, आपको ये वाला व्यू और दिखाते हैं इधर से। वैसे बागपत में जैसा बागपत की हिस्ट्री है, ये बागपत है, यहाँ पे बाघ ज़्यादा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे बाघ ही बाघ थे जब इसका नाम बागपत पड़ा था, काफ़ी पुराना, तो यहाँ पे बाघ ही बाघ थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे नाम इसका बागपत पड़ा था। भाई आ रहे हैं पीछे, भाभी आगे जा रही है, हम चल रहे हैं ऐसी जगह पे। मुंजी है ना, मुंजी चावल। तो बागपत में बाघ बहुत थे इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ा था बागपत। और यहाँ पे खेत है, यहाँ पे जब खेत में निकलोगे आप तो बहुत मज़ा आता है घूमने में, तो ऐसा इंटरेस्ट है यहाँ पे। ये यहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई है, मस्त एकदम बैठ के एंजॉय करने में। भाभी बैठो आप, गंदी से हो रही है कुर्सी, गंदी हो रही है यहाँ पे। ये ओए भाई करंट तो नहीं छोड़ते इसमें, ये है ना यहाँ पे, ये इसके ऊपर धागे बांधे हुए हैं इन्होंने ताकि इसके अंदर कुछ ना जाए, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ होगी जिनको इनको सेफ रखना होगा, इसलिए डाला हुआ था। सालू और मम्मी आ गए। तो ये ऐसा है कुछ व्यू, एक इधर है, ये पहला है, वो पहला है एक्चुअली उधर वाला जो है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा है जिसमें जाल लगाया वो उन्होंने, ठीक है। तो
तीन झोड़ है यहाँ पे, तीनों में ये पानी भरते है और काफी बड़ा एरिया है। हमारी गाड़ी खड़ी है वहां पे, वो रही हमारी गाड़ी। जूम कर रहा हूँ ना मैं, जूम करके दिखेगी अच्छे से। और ये हमारे तीन फैमिली मेंबर जो व्लॉग में बहुत ही कम बोल रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। सालू आपको बताओ, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है आगे? फिलहाल तो गर्मी लग रही है बहुत तेज। गर्मी लग रही है? भाभी आपको कैसा लग रहा है? हवा चल रही है ठंडी। हाँ बस धूप है, लेकिन अगर छाँव में बैठो पेड़ के नीचे तो बाय गॉड यहाँ पे टाइम निकालने में, टाइम निकाल के क्या मजा है, इंटरेस्ट। चलो छाँव में बैठते हैं अब जाके कहीं पे। हम कहाँ आ गए अब? नहीं पता हम कहाँ पे आ गए। यहाँ पे पानी पानी चल रहा है, यहाँ पे ट्वेल चल रही है और हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी अपनी, और यहाँ पे छाँव है इसलिए गाड़ी यहाँ पे रोक दी। ये रोड है, देखो एरिया देखो, ये रोड है ये वाला, इधर जंगल इधर जंगल, और इधर देखोगे आप तो इधर जंगल इधर जंगल। ऐसे एरिया में रोको बागपन में गजब एकदम सीन ही बनते हैं भाई साहब। हमने प्लान किया था पूरा पूरा कि हम नहाएंगे, तो देखते हैं अगर इस ट्वेल में हम नहा सके, अगर नहाने लायक हुई ट्वेल तो। ये देखो हमारी दो लेडीज़, दोनों लेडीज़ ट्वेल देखी नहीं, खेत में लग गए, वहाँ गिर मत जाना। गन्ने तोड़ोगे क्या? चलो क्या 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 है क्या क्या तोड़ रहे हो? तो गाइज क्या कर रहे हो भाभी आप यहाँ पे बताओ। गन्ना तोड़ते हैं, छोटा कैसे टूटते हैं तो बताओ। अंदर नहीं भी मैं घुसूंगी, नहीं कहीं से भी सांप निकल रहा है। नेवले रहते हैं ना इसके अंदर? नेवले भी रहते हैं इसके अंदर, सांप वाप आ गए ना, हमें पेल पाल देगा, पता भी नहीं चलेगा। भाभी जहर कौन निकालेगा आपका अगर यहाँ पर घुस गया? अरे ये बांध रखे है कैसे? हाँ हाँ बांधे हुए है ना। कैसे कैसे बांध रखे है ये तो बताओ। अब यहाँ बताओ गन्ना चोरी कर रहे हो? तोड़ रहे हैं। अरे बांध कैसे रखे है ये तो बता दो। अरे ताकि झुके ना ज्यादा, तो ये झुक जाते हैं ना इसलिए बांधे हुए। चल तोड़ देना, गन्ना तोड़ दो इनके लिए। भाई ये हाथ में लग जाएगा, मैं तोड़ देती हूँ। हमारी भाभी गांव की है ना थोड़ी सी, तो इनको एकदम कोई टेंशन नहीं है ये सब चीज़ों में, एकदम गांव में रहती है ना, गांव की है ना, तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सब सेट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भाई लगे हुए हैं, अभी ये तोड़ेंगे, अब देखते हैं इनको। अभी भाई टूट गया। अरे मीठा होगा ये, काफी मीठा होगा ये वाला, इतना बड़ा बहुत है। एक और तोड़ लो, अभी सब धोएंगे। धोगे क्या सब? ये टूट गया गन्ना भाभी के लिए। भाभी का एक्चुअली कुछ भी खाने का मन कर जाता है आजकल, क्या करे। तो बस सब कर देता हूँ मैं। हो गया भाभी दो रहे आप गन्ना, चूस लो आप भी गन्ना चूस लो। भाभी दे रही है, ये दो भी दिया, अब ये चूसा जाएगा गन्ना। ये कौन लिया है भाई? तो सीन कुछ ऐसे है भाभी, गन्ना कितना मीठा है? फिक्का सही है वो, फिक्का है गन्ना। अब तक भी हमें एक भी ट्वेल ऐसी नहीं मिली जिसमें हम नहा सके, लेकिन देखते हैं कोई साफ सुथरी सी ट्वेल जिसमें कुछ ज़्यादा मतलब मेंढक ना हो, सांप ना हो, ऐसी चीज़ों का खतरा ना हो, तो उसमें नहाएंगे हम। तो गाइज हम आ गए हैं फिलहाल घर, क्योंकि हमें जो हमने प्लान किया था कि ट्वेल पे नहाएंगे, मुझे नहाना था, बड़े भाई को नहाना था, लेकिन हमें ऐसी कोई ट्वेल नहीं मिली जो प्रॉपर चल रही थी। तो अभी आगे, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं।
और अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, हमारे फैमिली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट आ रहा है आपको, मज़ेदार लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल लाल वाला जो बटन है चैनल के नीचे सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे दबा दीजिए और लाइक करो, कमेंट करो और हमारे व्लॉग्स को करिए प्लीज़ और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।